परंपरा के नाम पर पाडुरों में आज फिर खेला जा रहा है गुटमार। आस्था के नाम पर फिर पत्थर बरसाने वाली प्रथा बदस्तूरी जारी है। झंडा रूपी निशान के बीच नदी में गड़ा दिया गया है और अब इसे कुल्हाड़ी से काट कर माता चंडिका को अर्पण किया जाएगा। इस बीच दिन भर सांवरगांव और पाडुना के बीच पत्थर बरसेंगे, अभी ये शाम तक चलेगा। कभी पाडुना वाले आगे होते हैं तो कभी सांवरगांव वाले। अब तक कई लोग घायल भी हो चुके हैं, कुछ का यहाँ कैंप में इलाज हुआ है और कुछ का सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। इस मेले को लेकर पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ मौजूद है और पूरी मुस्तैदी से जगह जगह पुलिस भी मौजूद है और स्वास्थ्य विभाग का अमला भी घायल लोगों को इलाज कर रहा है। इस बीच हमने कुछ स्थानीय लोगों से बात की, देखते हैं इस मेले को लेकर क्या है उनके विचार। नमस्कार दर्शकों, जैसे कि कल हमने एक रिपोर्ट पेश की थी आपको, शायद आपको पसंद आई हो वो रिपोर्ट। आज है गोटमार जहाँ पर अभी तक कम से कम 17वीं शताब्दी से ये खेल चला आ रहा है और कुछ शासन ने रोकने का प्रयास भी किया इसको कई बार, परंतु शासन विफल रहा। अब ये आस्था की बात है तो इसमें कुछ प्रशासन का जोर चलता नहीं है। तो आज हम हैं गोटमार पुलिया के बाजू में और हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे कुछ बात करेंगे कि उनकी क्या मत है इस बारे में। सर बताएं, आपका नाम बताएं। मैं उमेश उरकड़े, हनुमंत वार्ड पूर्व पार्षद। और यह जो गोटमार है, ये हमारे दादाजी बताते थे कि कई सालों से, उनको भी नहीं मालूम कई सालों से, ये पाषाणयुग से गोटमार चलती आ रही है। और ये जो आप पीछे में जो राधा कृष्ण का मंदिर देख रहे हैं, पहले की पब्लिक वहाँ पे बैठ के गोटमार देखती थी, लेकिन अभी जो इसमें जो विकृतियाँ आई है गोटमार में, अगर आमने सामने अगर अपन खेलेंगे, पत्थर हाथ से मारेंगे, तो गोटमार में कोई विकृति नहीं है, ज़्यादा पत्थर नहीं लगता। लेकिन इसमें क्या है, आजकल शराब पी के और गोफन से जो पत्थर खेला जाता है वो आम पब्लिक को लगता है, जिसको मालूम नहीं रहता कि पत्थर कहाँ रहा है। इसके कारण जो विकृति आ रही है गोफन के कारण और शराब के कारण, ना कि गोटमार आमने सामने खेलने से गोटमार में नहीं है। और ये जो गोटमार है, हमारे पांडुरा की शान है। अगर गोटमार है तो पांडुरना है, विश्वख्यात अगर प्रसिद्ध बेला है तो पांडुरना गोटमार के कारण है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस बार जो पिछले साल हमने कलेक्टर और एसपी साहब से हमने निवेदन किया था कि गोफन के ऊपर अगर प्रतिबंध करना है तो हमें ड्रोन कैमरे के द्वारा विशेष व्यवस्था दी जाए। उन्होंने पिछले साल विशेष व्यवस्था दी, इसके कारण पिछले साल गोफन न चलाने वाले, और हम गोफन के कारण सफल भी हुए, और इस बार भी हमको प्रशासन ने वही व्यवस्था दी है। तो निश्चित रूप से मेला पिछले साल की अपेक्षा और अच्छा होगा। और माता चंडी माता से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही हमारा मेला शांतिपूर्वक हमेशा चलते रहे, आमने सामने होते रहे, और ऐसे ही मैं कामना करता हूँ। चंडी माता की जय। उमेश भैया, थोड़ा सा ये भी बताएं कि इसके पीछे कहानी क्या है। इसके पीछे हमारे दादाजी वगैरह बताते थे कि पहले कबीले वाला सिस्टम रहता था पाषाण युग में, तो एक सावरगांव पक्ष का कबीला लड़की वाला और पांडुरा का पक्ष समझो अभी जो कहते हैं कि लड़के वाला, तो सावरगांव की लड़की थी कबीले में की और पांडुरा का लड़का था। इनके जो प्रेम थे, इनके प्रेम संबंध के कारण, और ये जो नदी है जाम नदी देख रहे, तो ये सावन भादो का महीना रहता है जिस समय बारिश बहुत ज़्यादा होती है। वो लड़का वो लड़की से मिलने शायद सावरगांव में गया हो, कबीले वाले ने देखा हो, और लड़की को जब भगाते हुए जा रहा है तो बीच नदी के बीच में उनके ऊपर दोनों के ऊपर फतराव हुआ है, और फतराव में दोनों जन वहाँ पे मृत हुए हैं। तो उनकी याद में फिर इनको लगा कि अपन ने नहीं, दोनों प्रेमियों को, युगल और लोगों को अपन ने आत्मघात करके इनकी हत्या कर दी है। तो इसका पश्चाताप होके, और यहाँ पे गोंड राजा का किला भी था, तो किले के ऊपर माता रानी का मंदिर था। तो क्या रहता है कि लहू की देवी अगर कोई कही जाती है जिसपे लहू देना है, तो उनकी याद में अगर लहू देना है तो सावरगांव पक्ष झंडा गाड़ते थे पोले के दूसरे दिन, और पांडुरा पक्ष वाले उसको तोड़ते थे। तो ये उस समय से जो परंपराएं चल रही है, उनकी दोनों की याद में जो परंपरा है, वहाँ से झंडा आता है और माता चंडी माता के पास 5 बजे पेश किया जाता है। यह इसकी कहानी है। ये परंपरा का दौर, आस्था का खेल, ये सतत 17वीं शताब्दी से चालू है और भविष्य में भी चालू रहने की उम्मीद है। हम कुछ और लोगों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं गोटमार पुलिया के पास में, हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनकी गोटमार को लेकर क्या राय बनती है। आशु जी, आप बताएं कि आपकी गोटमार को लेकर क्या राय है।
गोटमार एक अच्छा यहाँ पर त्यौहार भी है पांडुरा में, पर इसमें जो गोटमार खेलते हैं तो मैं नहीं चाहता कि गोटमार खेले, क्यों? क्योंकि मेरे परिवार के भी इसमें बड़े पिताजी डेथ हुई थी इसमें सन 1978 में। तो मैं प्रशासन से हमेशा यही अनुरोध करता हूँ कि ये प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए बंद की जाए, लेकिन बंद तो नहीं हो सकती है क्योंकि इसमें हम लोगों की भी आस्था है पूरी पांडुरा की। तो मेरा कहना ऐसा है कि इस मेले का स्वरूप चेंज करने की कोशिश किया जाए, हालांकि अब तक करते आ रहे हैं पांडुरा शहर में लेकिन हुआ कभी नहीं है, पर लेकिन जो मेरे परिवार के ऊपर में जो बीती है तो मैं नहीं चाहता कि किसी और के परिवार के बीच ऐसी कुछ घटना हो। तो आप क्या चाहते हैं कि किस प्रकार से इसमें बदलाव लाना चाहिए? इसमें बदलाव कर सकते हैं क्योंकि धार्मिक प्रोग्राम है ये गोटमार मेला, पत्थर न भी खेले तो पूजा पाठ तो होती है, हर साल करेंगे पूजा पाठ, जैसे शिवरात्रि में करते हैं, नागद्वार मेले में करते हैं, और जब भी नवरात्र आती है तब पूजा करते हैं, तो साल में एक दिन हर त्यौहार आते हैं, तो गोटमार मेला भी एक ही बार आता है। तो वही है कि गोटमार मेले का अपन स्वरूप चेंज करके चंडी माता की पूजा करें, हर साल भंडारे करें, खाना खिलाए लोगों को, न कि पत्थर मारे, क्योंकि इसमें बहुत सारी हानियाँ होती है ना। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो परिवार के साथ में जो बीता है वो किसी और के परिवार के साथ में न बीते, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख उन्हीं को मालूम है जिनके परिवार के बड़े सदस्य गए हैं। ऐसी बात है कि यहाँ पर कई हानियाँ भी हुई हैं, जनहानि भी हुई है, जिनके घरों में इस चीज़ की हानि हुई है, तो वो लोग तो नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार का कुछ गोटमार जैसा कुप्रथा वाला कोई खेल हो जहाँ पे खून बहे। तो और कुछ आपका उसमें कि जो युवाओं को आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा इस गोटमार मेले में युवा लोग सवेरे से खेलते हैं, और इसके पीछे बहुत बड़ी एक कहानी भी है दोनों सावरगांव और पांडुरा पक्ष के बीच में। तो सवेरे से यहाँ पर युवा लोग खेलते हैं और 4 बजे के बाद जैसे जैसे धूप दिन ढलता है तो वैसे वैसे गोटमार मेला आक्रोशित होता है, जो कि झंडा तोड़ने की होड़ लगी रहती है पांडुरा के लोगों में, और उसमें बहुत सारे खून भी बहता है, कोई नदी में बह के निकल जाता है, तो थोड़ा सा अच्छा तो नहीं है, लेकिन आस्था अपनी जगह है। तो मेरा तो वही कहना रहेगा कि इस मेले को थोड़ा सा उसका स्वरूप चेंज किया जाए, लेकिन पूजा पाठ धार्मिक भावनाओं में इसमें सबसे ज़्यादा रहे और चंडी माता की पूजा करें, और युवाओं से यही कहूँगा कि ज़्यादा शराब का सेवन न करें, क्योंकि शराब के कारण ये मेला थोड़ा सा दूसरा ले चुका है। तो मेरा यही कहना है कि शराब को न लेते हुए जो पुराने जमाने में जो गोटमार मेला खेलते थे तो लोग बहुत कम घायल होते थे, लेकिन आज का ऐसा समय आ गया, बहुत सालों से मैं भी इस मेले में देखते आ रहा हूँ कि शराब के कारण बहुत सारी हानियाँ होती है। तो मैं यही चाहूँगा कि कोई शराब न पिए इस मेले में, इसको आस्था के रूप में ही देखिए। सभी लोगों का अपना अपना अलग अलग कहना है कि कुछ एक पक्ष है जो बोलता है कि ये विश्व प्रसिद्ध हो चुका है इसलिए इसको बंद ना किया जाए, पर हाँ कहीं ना कहीं कुछ कुरूतियाँ जरूर यहाँ पर आ गई हैं। तो मैं खबर वार्ता से प्रशांत माहुरकर, कैमरामैन लक्ष्मीकांत के साथ, धन्यवाद। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।